हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हिबिस्कस का प्लांट, जिसमें 8 मंथ के बाद जो है ये फ्लावर खिला हुआ है। यह हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट हाइब्रिड वाला, जिसमें 8 मंथ के बाद अब यह फ्लावरिंग पर आया है। और जब बहुत ज़्यादा समर थी तब यह प्लांट पूरी तरह से डेड हो गया था। इसमें एक भी लीफ नहीं बची थी, केवल इसमें डंडियाँ बची थी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यह प्लांट मेरा बच भी पाएगा, लेकिन देखते ही देखते इस प्लांट ने इतनी अच्छी ग्रोथ जो है करी है कि मन इतना खुश हो गया इस प्लांट को देखकर। और ये भी अच्छा लगता है कि हमारे कम से कम पैसे वेस्ट नहीं गए। और इसी में का मेरा एक ऑरेंज गुड़हल का प्लांट था हाइब्रिड वाला, जिसमें गुच्छे वाले फ्लावर्स आते थे, तो वो डेड हो गया। लेकिन यह प्लांट जो है अपनी पूरी ग्रोथ पर आ गया है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कितनी सारी कलियाँ जो हैं इसमें बनी हुई हैं। और 8 महीने पहले का जो मेरा वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लाल मिट्टी में लगे हुए प्लांट कैसे चलते हैं और क्या लाल मिट्टी का कैसी रहती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो उसकी लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस प्लांट को जो है रेड मिट्टी में ही लगाया हुआ है। और हाइब्रिड जो गुड़हल आते हैं वो ज़्यादातर आप लाल मिट्टी में ही लगे हुए आते हैं। अगर आप नर्सरी में परचेज करने जाएंगे तो जो भी प्लांट अब आने लगे हैं वो सारे लाल मिट्टी में ही लगे हुए हैं। तो मैंने इस प्लांट को भी लाल मिट्टी में ही परचेज़ किया था और मैंने जो है इसको इसी तरह से लाल मिट्टी थोड़ी सी हटाने के बाद जो है इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और आपको शो भी हो रहा होगा कि इसकी मिट्टी जो है रेड है बिल्कुल। मैंने पूरी तरह से इसकी मिट्टी को नहीं हटाया था और बहुत ही अच्छा यह प्लांट चल रहा है। और केयर की बात करें तो यह मेरा प्लांट फुल सन में ही रखा रहता है और टाइम टाइम पर जो है इसको मैं फर्टिलाइज़र वगैरह देती रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट है और इसमें मैंने सी वीड के भी दाने जो है डाले हुए थे। तो यही सब करते करते 8 महीने के बाद यह प्लांट जो है मेरा फ्लावरिंग पर आया है। और कितने बिग साइज़ का फ्लावर इसमें खिला हुआ है आप देख पा रहे हैं, येलो कलर का शेडेड है, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है यह प्लांट। तो अभी इस समय आपको नर्सरी में जो है हाइब्रिड गुड़हल की जो वैरायटी है काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं हाइब्रिड गुड़हल को तो ऐड कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस फ्लावर को देखकर और इस प्लांट को देखकर, बहुत खुशी हुई। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और रेड मिट्टी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूंगी, तो आप उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतने ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।